नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद DMK है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-25 MP हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। RJD को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 विधायक है और 16 MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं?